डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट हरी जी सुनो, इधर ये मैं इसी जगह रखूँ तो ठीक है कि यहाँ कर दूँ तो कोई दिक्कत होगी? कहाँ रखना है? यहाँ कोई कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे कर दूँ, यहाँ कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं नहीं, तो ठीक। बस पास में है। हाँ बस सुन, बोल दूँ ना, वो कट जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी सेफ एट होम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर लेसन द नोबल नेचर। इन द प्रीवियस क्लास आई टॉट यू अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन ओक ट्री एंड द क्वालिटीज ऑफ अ लिली। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर लेसन द नोबल नेचर। एज यू नो दैट इट इज द फर्स्ट स्टेंजा, दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ योर पोइम द नोबल नेचर। इट इज नॉट ग्रोविंग, इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री। इन बल्क, बी यू एल के, बल्क, इन बल्क डट मेक मैन बेटर अ बी आर ओ आर स्टैंडिंग लॉन्ग अ एन अ ओक थ्री हंड्रेड अयर्स। लास्ट लाइन टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई ड्रॉय कामा बॉल्ड एंड अ सी ईयर। ये बच्चों आपके द नोबल नेचर नामक पोइम का पहली स्टेंजा है, तो ध्यान देना आप लोग। आज मैं आप लोगों को हिंदी मीनिंग समझा रहा हूं कि इस पहली स्टेंजा का हिंदी मीनिंग्स क्या होती है और दूसरी स्टेंजा की हिंदी मीनिंग्स क्या होती है। तो नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। इट इज नॉट, नॉट का मतलब होता है बच्चों नहीं, इट इज नॉट है, यहां से लेना। ग्रोविंग, ग्रोविंग का मतलब होता है डेवलपिंग, डेवलपिंग का मतलब होता है विकसित होना। डेवलपिंग का मतलब क्या होता है? विकसित होना अर्थात बड़ा होना। लाइक, लाइक का मतलब होता है बच्चों के समान। ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे, लाइक का मतलब क्या होता है? के समान। यहां पे तुलना करने के लिए किया जा रहा है, लाइक का मतलब के समान, तुलना करने के लिए। और ट्री का मतलब होता है एक पेड़, तो यहां से आप लोग उठाना ग्रोइंग लाइक अ ट्री। तो अ ट्री का मतलब होता है एक पेड़, लाइक का मतलब होता है के समान, ग्रोइंग का मतलब होता है डेवलपिंग, डेवलपिंग का मतलब होता है विकसित होना अर्थात बड़ा होना। तो एक पेड़ के समान है बड़ा होने से, क्या कहा? एक पेड़ के समान है विकसित होने से, या एक पेड़ के समान है बड़ा होने से। इसको छोड़ के रखना बच्चों, इन है बल्क, बल्क का मतलब होता है बल्क है, बल्क का मतलब होता है बिग साइज, बिग साइज का मतलब होता है बड़ा आकार। इस बल्क का मतलब होता है बिग साइज, बिग साइज का मतलब होता है बड़ा आकार। दोनों साथ में ले लेना, एक पेड़ के समान है विकसित होने से या बड़ा आकार है पा लेने से। अब यहां पे लिखा गया बच्चों डथ, तो इस डथ का उपयोग, जो डथ है इज द फॉर्म ऑफ, डथ है इज द फॉर्म ऑफ डू, डू का ये डथ जो है वह फॉर्म है, जबकि प्राचीन अंग्रेजी में इस डथ का उपयोग जो है वह टू के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? टू के लिए। प्राचीन अंग्रेजी में
इससे डच का उपयोग जो है वह टू के लिए उपयोग किया जाता था, इसलिए आप यहां पे ऐसे कर सकते हो टू मेक अ मैन बेटर बी। तो अब यहां पे देखना डच, डच इज द फॉर्म ऑफ डू, यस। मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, मेक का मतलब क्या होता है बनाना। मैं किताब में ध्यान दें बच्चों, यहां पे एम अक्षर जो है वह कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है बड़े अक्षर में लिखा गया है, किसमें लिखा गया बड़े अक्षर से। तो इस मैन शब्द का उपयोग जो है यहां पे प्रॉपर सेंस में किया गया है, किसके रूप में किया गया प्रॉपर सेंस के रूप में किया गया। तो इस मैन का उपयोग संपूर्ण मानव जाति का बोध कराता है, इस मैन का उपयोग किसका बोध कराता है संपूर्ण मानव जाति का बोध कराता है, क्योंकि यहां पे मैन शब्द का उपयोग जो है वह प्रॉपर सेंस में किया गया, अर्थात इस मैन का मतलब संपूर्ण मानव जाति के लिए होगा। बेटर, बेटर लिखा गया है यहां पे, तो इस बेटर इज द सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गुड। जानते हो आप लोग एडजेक्टिव गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, इसी का कंपैरेटिव फॉर्म जो होता है वह बच्चों क्या होता है बेटर। बेटर का मतलब होता है अधिक बेहतर, अर्थात उससे अच्छा। यहां पे क्या लिखा है बेटर बी, बेटर बी का मतलब होता है अधिक बेहतर होना, अधिक अच्छा होना या श्रेष्ठ होना। तो सुनो ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे, एक पेड़, एक पेड़ के समान है विकसित होने से या बड़ा आजीवन पाने से और बड़ा आकार पाने से मानव श्रेष्ठ है या महान है नहीं बनता है। अब इस यहां पे हम इन दोनों को जो अर्थ निकालेंगे, तो जो यहां पे इसमें नॉट लिखा गया, इस नॉट का मतलब क्या होता नहीं, तो हम अर्थ ले लेंगे। ध्यान देना फिर से, अट्री का मतलब होता है एक पेड़ है, लाइफ का मतलब के समान, ग्रोइंग का मतलब विकसित होना अर्थात बड़ा होना, एक पेड़ के समान विकसित होना या बड़ा होना। इन बल्क है, बल्क का मतलब होता है बिग साइज, बिग साइज का मतलब बड़ा आकार। तो एक पेड़ के समान विकसित हो जाने से या बड़ा आकार पा लेने से। मैन का मतलब होता है आदमी अर्थात मानव, मेक का मतलब होता बनना, बेटर बी का मतलब होता अधिक बेहतर अर्थात श्रेष्ठ या महान। एक पेड़ के समान विकसित हो जाने से या बड़ा आकार पा लेने से मानव श्रेष्ठ या महान नहीं बनता है। इसीलिए बच्चों जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था द मेन थीम ऑफ द पोइम, इस कविता का मुख्य विषय वस्तु, तो उसमें मैंने आपको पहला सेंटेंस पढ़ाया था, उसमें क्या पढ़ाया था लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ का मतलब होता है लंबा जीवन, एंड बिग साइज का मतलब होता है बड़ा आकार, डू नॉट है, डू नॉट है, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक होता है क्या, मेक का मतलब होता है बनाने के लिए, अ मैन का मतलब होता है एक आदमी का, ग्रेट का मतलब महान। ये पहला सेंटेंस बताया था आप लोगों को कि लॉन्ग लाइफ का मतलब लंबा जीवन, एंड बिग साइज का मतलब होता है बड़ा आकार, डू नॉट है, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, मेक का मतलब होता है बनाने में, अ मैन का मतलब होता है एक आदमी का, ग्रेट का मतलब महान, यानी लंबा जीवन और बड़ा आकार एक व्यक्ति को महान बनाने के लिए आवश्यक नहीं होता है। वही बात इस पहले और दूसरी लाइन में कवि बेन जॉनसन ने स्पष्ट किया है, क्या कहा है कि अट्री, अट्री का मतलब होता है एक पेड़, लाइफ का मतलब के समान, ग्रोइंग का मतलब विकसित होना या बड़ा होना। तो इसी जगह से बच्चों अर्थ सबसे पहले निकालना, एक पेड़ के समान है विकसित होने से या बड़ा होने से, इन बल्क है, बल्क का मतलब बड़ा आकार पाने से, मैन का मतलब होता है मानव, मिक का मतलब होता है बनना, बेटर बी का मतलब होता है श्रेष्ठ महान या अधिक बेहतर,
तो इन दोनों लाइन का अर्थ होगा एक पेड़ के समान विकसित हो जाने से और बड़ा आकार पा लेने से मानव श्रेष्ठ या महान नहीं बनता है। इसीलिए कवि बेन जॉनसन ने इस कविता द नोबल नेचर के मैं पहले थीम के पहले सेंटेंस में आपको बताया था कि लंबा जीवन और बड़ा आकार एक व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। यस बच्चों, अब आ जाओगे तीसरी लाइन में। देखो यहां पर लिखा ओ आर, इस ओ आर का मतलब होता है आर, आर का मतलब अथवा, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा रहना, स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है खड़ा रहना, आर आर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा रहना, ठीक है। लॉन्ग है, इस लॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, लॉन्ग का मतलब क्या होता है लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबे समय तक या लंबे समय तक खड़ा रहने से। किसके देखो यहां पे एन एन का मतलब होता है एक, ओक ओक अ काइंड आवर ट्री, ध्यान देना बच्चों ये ओक जो है अ काइंड है, अ आवर ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़ का नाम है, यानी ये ओक जो है वो एक पेड़ का नाम है। इसका हिंदी होता है बलूत का पेड़, कौन सा पेड़ बलूत का पेड़ है। तो यहां पे एन ओक का मतलब होता है एक बलूत के पेड़, यानी एक बलूत के पेड़ के समान बहुत लंबे समय तक खड़ा रहने से। कितने लंबे समय तक, तो यहां पे लिखा है 300 इयर्स है, यानी इस धरातल पर 300 सालों तक खड़ा रहने से भी कोई व्यक्ति श्रेष्ठ या महान नहीं बनता है। जिस प्रकार से ये बलूत का पेड़ जो है इस धरातल पे 300 सालों तक खड़ा रहता है, लेकिन उससे उसका जीवन जो है श्रेष्ठ या महान नहीं बनता है। फिर से देखना बच्चों तीसरी लाइन में क्या कहा गया, और का मतलब होता है अथवा, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा रहना, लॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब लंबे समय तक, एन ओक का मतलब होता है एक बलूत का पेड़ है, एक बलूत के पेड़ के समान बहुत लंबे समय तक खड़ा रहने से। कितने लंबे समय तक खड़ा रहने से, तो 300 इयर्स है, यानी 300 सालों तक खड़ा रहने से भी कोई व्यक्ति श्रेष्ठ या महान नहीं बनता है। यस, चौथे लाइन में आ जाओगे, देखो टू फॉल है, फॉल का मतलब होता है गिरना, जो गिर जाता है, कौन गिर जाता है, तो एन ओक ट्री, एन ओक ट्री का मतलब ये बलूत का पेड़ है, ये बलूत का पेड़ 300 सालों तक इस धरातल पर है खड़ा रहता है, लेकिन होता क्या अंत में, फल का मतलब होता है गिर जाता है, अलॉग है, अलॉग का मतलब होता है एक लकड़ी का लट्ठा, क्या कहा मैंने, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, तो जो एक लकड़ी के लट्ठे की भांति नीचे गिर जाता है। एट लॉस्ट है, एट लॉस्ट का मतलब होता है अंत में, आखिरकार, जो आखिरकार या अंत में एक लकड़ी के लट्ठे की भांत नीचे गिर जाता है। अब यहां पे ध्यान देना बच्चों, लिखा है ड्राय, ड्राय का मतलब होता है सूखना, ड्राय का मतलब क्या होता है सूखना, बाल्ड है, बी ए एल डी लिखा है, तो बाल्ड का मतलब होता है बच्चों बी ए एल डी, इस वर्ड का मतलब होता है विदाउट है, विदाउट है लिप्स है, विदाउट लिप्स का मतलब होता है बिना पत्ते के, ध्यान देना वाले बोर्ड पे, ये लिप्स जो है वह इस है लीफ का बहुवचन है, लीफ का मतलब होता है पत्ता, इसी का बहुवचन यहां पे क्या लिखा हूं लिप्स, अब इसके अंत में एफ है,
हटा करके हम लोग यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं, वी यस है, तो इस मिथ का बहुवचन यहाँ पे क्या है, लिप्स है। तो बर्ड का मतलब होता है विदाउट लिप्स है, विदाउट लिप्स का मतलब बिना पत्ते के अर्थात गंजा। बर्ड का मतलब होता है बिना पत्ते के एंड है, एंड का मतलब होता है और, इस है। सीयर का मतलब होता है बच्चों सेपलेस, सेपलेस ध्यान देना, एस ई आर ई, सीयर का मतलब होता है सेपलेस, सेपलेस का मतलब होता है मुरझाना, सेपलेस का मतलब मुरझाना, या विदर्ड का मतलब मुरझाना। तो देखो अर्थ कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप लोग को अर्थ ड्रॉय का निकालना होगा, दूसरे नंबर पे सीयर का निकालना होगा, तीसरे नंबर पे बॉर्ड का निकालना होगा। तो क्या कहोगे, जो एट लास्ट का मतलब होता है अंत में, यानी वो बलूत का पेड़ जो अंत में, ड्रॉय का मतलब होता है सूख करके, सीयर का मतलब मुरझा करके, बॉर्ड का मतलब बिना पत्ते के, बिना पत्ते के, एक लकड़ी के लठ के समान, फाल का मतलब होता नीचे गिर जाता है, यानी वह बलूत का पेड़ जो अंत में, एट लास्ट का मतलब होता है अंत में, ड्राई का मतलब होता है सूख करके, सीयर का मतलब होता मुरझा करके, एंड बर्ड का मतलब बिना पत्ते के, अलॉग का मतलब एक लकड़ी के लट्ठे के समान है, इस धरातल पर नीचे गिर जाता है। तो इन 300 सालों तक लंबे जीवन के बावजूद भी ये बलूत के पेड़ का जो जीवन होता बच्चों वो क्या होता है, ध्यान देना, मीनिंगलेस, मीनिंग ऑफ लेस है, मीनिंगलेस का मतलब होता है निरर्थक अर्थात अर्थहीन, और दूसरा अन अप्रेसिव, अनइम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावहीन, और मीनिंगलेस का मतलब होता है निरर्थक। अब 300 सालों के लंबे जीवन के बावजूद भी उस बलूत के पेड़ का जो जीवन होता है वह निरर्थक अर्थहीन है और प्रभावहीन होता है। तो इससे जो है बलूत का पेड़ अपने जीवन में श्रेष्ठ या महान नहीं बन पाता है। वंस अगेन एक बार फिर से देखना बच्चों ब्लैक बोर्ड पे, देखो ये आपके पहली पोयम द नॉबल नेचर का पहला स्टेंजा है, ध्यान से देखना आप लोग, यहां पे सबसे पहले लिखा है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, तो ब्लैक बोर्ड पे देखो इट इज नॉट, इसको छोड़ दो, यहां पे शुरू करो ग्रोइंग, इस ग्रोइंग का मतलब होता है डेवलपिंग, डेवलपिंग का मतलब होता है विकसित होना, लाइक इस लाइक का मतलब होता तुलना करने के लिए किया गया, तो इस लाइक का मतलब होता है के समान, और ट्री, और ट्री का मतलब होता है एक पेड़, तो निकालो तो बच्चों एक पेड़ के समान है विकसित हो जाने से, या एक पेड़ के समान है बड़ा हो जाने से, नीचे आना इन है बल्क है, बल्क का मतलब होता है बिग साइज, बिग साइज का मतलब बड़ा आकार, एक पेड़ के समान है विकसित हो जाना और है बड़ा आकार पा लेने से, डथ है, मैं बता चुका हूं आपको डथ इज द फॉर्म ऑफ डू, डू का फॉर्म है, प्राचीन अंग्रेजी में इस डथ का उपयोग जो है वह किसके लिए किया जाता था, टू के लिए किया जाता था, तो आप यहां पे कर सकते हो टू मेक है मैन है बेटर बी, तो देख लो यहां पे मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, इस मैन शब्द में आप अपनी किताब में देखना बच्चों इसमें एम अक्षर जो है कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से लिखा गया है, इससे यह साबित होता है कि इस मैन शब्द का उपयोग जो है प्रॉपर सेंस में किया गया है, किसमें किया गया है प्रॉपर सेंस है, प्रॉपर सेंस का मतलब संपूर्ण मानव जाति का बोध कराने के लिए किया गया, तो इस मैन का उपयोग जो है यहां पे मानव के लिए होगा। बेटर, बेटर जो है ये एडजेक्टिव है गुड का, किसका
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और गुड का कंपैरेटिव फॉर्म बताओ यहां पे क्या दिया है, बेटर। गुड का मतलब होता अच्छा, जबकि बेटर का मतलब होता उससे भी अच्छा। अब यहां पे बेटर भी लिखा है, तो बेटर भी का मतलब होता है अधिक बेहतर होना या अधिक अच्छा होना। अब इन दोनों का अर्थ एक साथ निकलेगा, कैसे? एक पेड़ के समान है विकसित हो जाना और है बड़ा आकार पा लेने से। मैन का मतलब होता मानव, बेटर बी का मतलब होता श्रेष्ठ या महान है, नॉट का मतलब होता नहीं अब बनता है। अब स्पष्ट रूप से देखो क्या कहा, एक पेड़ के समान है विकसित होने से अर्थात और बड़ा आकार पा लेने से मानव है श्रेष्ठ है या महान है नहीं बनता है। ये दो लाइन क्लियर है बच्चों? अब तीसरी देखो, इसीलिए इन दोनों लाइनों में मैं आपको थीम में पढ़ाया था कि कवि बेन जॉनसन इस कविता द नोबल नेचर में ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि लॉन्ग लाइफ का मतलब होता है लंबा जीवन एंड बिग साइज का मतलब होता है बड़ा आकार। लंबा जीवन और बड़ा आकार, डू नॉट नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। लंबा जीवन और बड़ा आकार है आवश्यक नहीं होता है क्या? मेक का मतलब होता है बनाने के लिए, अमेन का मतलब होता है एक आदमी को, ग्रेट का मतलब क्या होता है महान। लंबा जीवन और बड़ा आकार है एक व्यक्ति को महान बनाने के लिए आवश्यक है नहीं होता है। यस बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड लाइन क्लियर है। अब आ जाओ तीसरे पे, और आर का मतलब होता है या अर्थात अथवा। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा रहना, खड़े रहने से। लॉन्ग है, इस लॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबा समय या लंबे समय तक खड़े रहने से क्या। एन का मतलब होता है एक, और ओक है, ओक जो है अ काइंड ऑफ ट्री, ये एक प्रकार के वृक्ष का नाम है जिसकी हिंदी होती है बलूत का पेड़ है। तो सुनो बच्चों ध्यान से, एक बलूत के पेड़ के समान बहुत है लंबे समय तक खड़ा रहने से। कितने लंबे समय तक खड़ा रहने से? तो 300 ईयर्स है। 300 ईयर्स का मतलब 300 सालों तक खड़ा रहने से। अब यहां पे बोलोगे हिंदी, अथवा एक बलूत के पेड़ के समान इस धरातल पर 300 सालों तक खड़ा रहने से भी कोई व्यक्ति या कोई मानव श्रेष्ठ या महान है नहीं बनता है। यस, अब आ जाओ सेकंड नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन में, टू फॉल है, फॉल का मतलब होता है बच्चों गिरना, गिर जाता है कौन, तो यहां पे एन ओक ट्री, ये बलूत का पेड़ है, ये बलूत का पेड़ गिर जाता है। अलाग है, अलाग का मतलब होता है एक लकड़ी का लट्ठा, जो एक लकड़ी के लट्ठे की भांति नीचे गिर जाता है। अब देखो इधर, एट लास्ट है, एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखना। अब यहां पे बाल्ड है, बाल्ड का मतलब होता है विदाउट लिप्स है, विदाउट लिप्स का मतलब बिना पत्ते के। सीयर, सीयर का मतलब होता है विदर्ड, विदर्ड का मतलब होता है मुरझाना, या सिफिलिस का मतलब भी होता है मुरझाना। तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले हम लोग ड्राई का अर्थ निकालेंगे, फिर यहां पे सीयर का अर्थ निकालेंगे, फिर यहां पे बाल्ड का निकालेंगे। तो देखो ये कुमे बलूत का पेड़, एट लास्ट का मतलब होता है अंत में, ड्राई का मतलब होता है सूख करके, सीयर का मतलब मुरझा करके, एंड बर्ड का मतलब बिना पत्ते रहित है, और एक लॉग का मतलब लकड़ी के लट्ठे की भांत नीचे गिर जाता है। तो एक साथ बता लो कि ये बलूत का पेड़ जो अंत में
सूखे मुरझाए और बिना पत्ते रहित एक लकड़ी के लट्ठे की भांति इस धरातल पर नीचे गिर जाता है। इस बात से ये साबित होता है कि लंबा जीवन और बड़ा आकार किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ या महान नहीं बना सकता है। अगर कोई लंबा जीवन और बड़ा आकार एक व्यक्ति को महान बना सकता है तो इस लेसन में इस कविता में ये बलूत का पेड़ भी अपने जीवन में महान बन जाता है। लेकिन नहीं नहीं, लंबा जीवन और बड़ा आकार एक व्यक्ति को महान नहीं बना सकता। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस बलूत के पेड़ का जो जीवन होता है वह मीनिंगलेस का मतलब निरर्थक अर्थहीन है और अनइम्प्रेसिव का मतलब प्रभाव है विहीन होता है। यस बच्चों, ये थी आपके इस पहली स्टिंदा द नोबल नेचर का